हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ की अभ्यास 1E। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 1E का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगी। अगर आपको इससे पहले वाली अभ्यास का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हो। मैंने सभी चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1E। हमारे पास अभ्यास 1E में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और इन सभी को सत्य असत्य बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। तो देखो, जो संख्या इक्वल से बराबर के निशान से इधर वाली जो वैल्यूज है, इसे सॉल्व करने पर उतना ही आंसर आना चाहिए जितना कि इधर की वैल्यूज को सॉल्व करने पर आएगा। अगर आंसर बराबर आता है तो हमारा कथन सत्य है। तो इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बराबर आएगा, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, तो सेकेंड ऑप्शन है जो वो भी हमारा सत्य है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 और -5/7, तो गुणा करेंगे तो -15/28 आ जाएगा। -15/28 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इन दोनों का आंसर भी इक्वल आएगा, इसलिए ये सत्य है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। सेकंड में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चनों को हम नंबर बाई नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2/7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7। तो देखो, पहले हम इक्वल से इधर वाली जो वैल्यूज है इसे हल करेंगे। तो देखो, 2/7 गुणा -11/8, तो ये कितना हो जाएगा, -11 और 2 -22, 11 × 2 = 22 और 7 × 2 = 56। अब इसे अगर हम काटेंगे तो ये 11 से और ये 28 से कितना आंसर आया, 11/28 माइनस के। ठीक, अब इधर की जो वैल्यूज है इसे हम हल करेंगे, तो -11/8 गुणा 2/7, ये भी -22/56, 11 × 2 = 22 और 28 × 2 = 56, कितना आंसर आया, -11/28। ठीक, तो दोनों का आंसर सेम है, यही चीज़ हमें सत्यापित करनी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, -8/9 गुणा -15/17 बराबर -15/17 गुणा -8/9। तो कैसे हल करेंगे हम इसे, पहले बराबर से इधर वाली जो वैल्यूज है उसे हल करेंगे, -8/9 गुणा 15/17। तो देखो, 3 × 3 = 9 और ये 5 × 3 = 15, क्या बचा ऊपर, -8 × 5 कितना हुआ, 8 × 5 = 40, -40/17 = 51। ठीक, 40/51 आ जाएगा। उसके बाद इसे हल करेंगे, 15/17 गुणा -8/9, ये भी 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15, कितना आया, -40/51। तो इधर वाली वैल्यूज और इधर वाली वैल्यूज दोनों सेम आई हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3 बराबर -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। इसे कैसे हल करेंगे हम, देखो, -8/7 गुणा 1/2 और गुणा 4/3। ठीक, इस तरह लिखेंगे, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा,
कितना बचा ऊपर, माइनस के 8 गुणा माइनस के 2 बटे में 7 गुणा 3, ठीक। कितना हुआ, 8 दूने 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 7 तीये 21, 16 बटे 21 इधर की वैल्यूज आ गई। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 8 बटे 7 गुणा 1 बटे 2 गुणा माइनस के 4 बटे 3, 2 से ये 4 दो बार कैंसिल, कितना आया माइनस 8 गुणा माइनस 2 बटे में 7 गुणा 3, कितना आया 16 बटे में 21, ठीक। 16 बटे 21 इधर आंसर और 16 बटे 21 इधर आंसर, तो क्या हो जाएगा ये भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए, ठीक। तो देखो 2/11 क्वेश्चन नंबर 1 है थर्ड का फर्स्ट, 2/11 गुणा माइनस 3/7 बराबर माइनस 3/7 गुणा, यहाँ पे खाली जगह है मैंने ये भर दिया है, तो देखो यहाँ पे खाली जगह है, 3/7 इधर है और 3/7 इधर है, 2/11 इधर है तो इधर भी क्या आएगा हमारा 2/11, ठीक है। और ये कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है माइनस के 11/3 गुणा 2/3 गुणा 3/-2 बराबर माइनस के 11/3 गुणा, ये जो रेड कलर से भरे हुए हैं ये खाली जगह हैं मैंने भर दिए हैं, ठीक है। देखो इक्वल से इधर वाली वैल्यूज और इक्वल से इधर वाली वैल्यूज, दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, जिस वैल्यूज की कमी है आप वहाँ पर उसी वैल्यू को भर सकते हो, बहुत ही आसान है ये। तो देखो पहला है जो वो क्रम विनिमय प्रगुण है, दूसरा है जो वो सहचार्य प्रगुण है और तीसरा वितरण प्रगुण है, ठीक है। अलग अलग प्रगुण हैं ये तीनों। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सरल कीजिए माइनस के 3 गुणा माइनस के 10/9 गुणा 18/-5 गुणा माइनस के 1/-6। तो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं उसके बाद सेकंड को। तो देखो हल करेंगे हम इसे, माइनस के 3 गुणा माइनस के 10 गुणा 18 गुणा माइनस के 1, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं सभी लिख ली और नीचे वाली भी लिख लेते हैं, माइनस के 5 गुणा माइनस के 6। तो देखो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, फिर 3 से ये 18 3 बार और इस 3 से ये 6 2 बार, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 5 10 और माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर माइनस के 1। इसमें मिस्टेक है शायद कहीं, दोबारा से करते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, माइनस 3 गुणा माइनस के 10/9 गुणा 18/-5 गुणा माइनस 1/6, ठीक है। तो देखो माइनस के 3 गुणा माइनस के 10 गुणा 18 गुणा माइनस के 1 बटे में 9 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 6, ठीक, ये वैल्यू है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल और इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल, ठीक है। अब 5 से ये 10 दो बार कट जाएगा, 6 से 18 3 बार कट जाएगा और ये 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा और फिर 3 से ये 3 एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर क्या बचा, माइनस का 1 गुणा माइनस के 2 बराबर, आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस के 2 नहीं है ये प्लस के ही हैं, तो माइनस 1 गुणा प्लस के 2 कितना आंसर आएगा, 2 एकम 2 और साइन माइनस का, तो माइनस का 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ का, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है माइनस के 1/-9 गुणा 3/20 गुणा माइनस के 4 गुणा 6/-5, ठीक है। तो देखो माइनस के 1 गुणा 3 गुणा माइनस 4 गुणा 6, ऊपर वाली जो वैल्यू है ऊपर लिख लेते हैं, नीचे वाली को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस से माइनस कैंसिल और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 से 9 3 बार कैंसिल और ये 3 से 6 2 बार कैंसिल, 4 से ये 20
पाँच बार, चार पंजे बीस, ऊपर क्या बचा दो और नीचे क्या बचा पाँच गुणा पाँच, तो आंसर क्या आएगा दो बट्टे में पच्चीस। ठीक, दो बट्टे में पच्चीस हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास वन ई कंप्लीट करा दी है। अगर आपको इससे पहले वाली अभ्यास चाहिए जैसे कि वन ए, वन बी, वन सी, वन डी, तो मैंने वो सभी अभ्यास अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अच्छी तरीके से सॉल्व करके दे रखी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।